नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनुराग और स्वागत करता हूं आपका इस नए वीडियो में। तो आज मैं आया हुआ हूं तिकोना फोर्ट पे, और जो ये सराउंडिंग का एरिया है ये पार्किंग का एरिया है। तो मैं थोड़ी देर में आपको पार्किंग दिखाने वाला हूं। थोड़ी से इसके पहले की बात कर लेते हैं, मैं पुणे से आया हुआ हूं, तो ये पुणे से अराउंड 2 घंटे की ड्राइविंग पे, अगर बाइक से आते हैं आपको 2 घंटे यहाँ से लग जाएंगे। काफ़ी अच्छी लोकेशन है यहाँ से देखने में आ रही है। तो एक बार सराउंडिंग में व्यू दिखाता हूँ सामने की ओर। अगर कैमरा स्विच करूँगा तिकोना फोर्ट दिख रहा है, एक रेड कलर का फ्लैग भी वहाँ दिख रहा है। तो एक बार कैमरा स्विच करता हूँ और सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। तो अभी सामने की ओर आप देख पा रहे होंगे ऊपर की तरफ, तो वहाँ पे तिकोना फोर्ट है वो जो नज़र आ रहा है। एक फ्लैग भी वहाँ पे है, हो सकता है वीडियो में आपको ना नज़र आ रहा होगा, लेकिन वहाँ पे एक रेड कलर का फ्लैग लगा हुआ है भगवे कलर का, और सामने की ओर ऐसा कुछ तिकोना फोर्ट है। और मैं अगर कैमरा नीचे की तरफ एक बार, तो पूरी तरीके से पार्किंग की सुविधा यहाँ पे दी गई है। अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे कोई गाड़ियाँ नहीं दिख रही, क्योंकि मैं मंडे के दिन पे यहाँ पे आया हुआ हूँ और मेरी बाइक यहाँ पे पार्क है। तो यहाँ पार्किंग की अच्छी खासी सुविधा है। सामने की तरफ कुछ होटल्स वगैरह हैं जो कि अभी नहीं खुले हुए हैं। एक दादाजी बैठे हैं, उनसे बात करेंगे थोड़ी देर में जाके। तो ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुणे से आने में मुझे लगभग 2 घंटे लग गए हैं, लेकिन मैं रास्ते में थोड़ी देर के लिए रुका था, और जब रुका था तो वहाँ पे सनराइज़ हो रहा था, तो उसकी कुछ मैंने वीडियोस करी हुई हैं और प्लस रास्ते के कुछ अच्छे सीन भी मुझे मिले हैं। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, आपको आपके लिए वो सीन प्ले करता हूँ, बाकी ट्रैक कैसे करना है उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ओके, जैसा कि अभी आप देख पाएंगे यहाँ लिखा हुआ है किले तिकोना, और नीचे की तरफ आऊँगा तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है मराठी में है कि गढ़ में जाने का रास्ता। तो इधर से ऊपर की तरफ मैं जाने वाला हूँ, और यहाँ पे यही मार्किंग हमें मिलने वाली है कि कैसे ट्रैक करना है, और सामने की ओर ऐसा कुछ नज़ारा है। तो चलिए भाई अपना आज का ट्रैक स्टार्ट करते हैं। गणपत बप्पा मोरया। यहाँ पे किले के बारे में कुछ डिटेल्स हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ नोट डाउन दिया गया है कि किले में जाने के बाद आप वहाँ स्वच्छता रखें, कुछ गंदगी ना फैलाएं, और यहाँ पे लिखा हुआ है 5 बजे ये किला बंद हो जाता है, तो ऐसा कुछ है। और यहाँ पे पुलिस संख्या भी दी गई है, तो यहाँ पे आप शायद कॉल करके पूछ सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर कॉल भी कर सकते हैं।
भाई हवा तो बहुत प्यारी चल रही है यहाँ पे, जैसा कि आप देख पाएंगे बाल हवा में लहरा रहे हैं। यहाँ चढ़ते हुए लगभग 45 मिनट्स हो गए हैं। मैं वीडियो बना रहा था तो मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा, तो अभी तक आज है मंडे और एक भी इंसान मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आया, सिर्फ मेरे एक दोस्त के। और वो कौन है? ये सामने की तरफ एक डॉगी बैठा है, यही मुझे नीचे से ऊपर तक लेके आया है और यही आज मुझे कंपनी दे रहा है। तो आगे का रास्ता कुछ ऐसा हो गया है, चलो बढ़ेंगे आगे यहाँ से कुछ इस तरीके से। और ये और आगे आ गए हैं। ट्रैक इतना टफ नहीं है, धीरे धीरे चल रहे हैं तो आसानी से आ सकते हैं। जितनी ऊंचाई पे आएंगे उतना ही थोड़ा देखने में अच्छा लगने लगता है, दिल को सुकून मिलता है और सामने के नज़ारे तो एकदम खुश कर देते हैं। और यार बात करते करते ही ना मैं किले तक पहुँच गया हूँ। चलिए पहले आप कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखा देता हूँ जो कि दी गई है, वीडियो को पॉज करके आप इन्फॉर्मेशन के बारे में देख सकते हैं। और ये है किले का डोर, यहाँ से हम करने वाले हैं एंट्री। और ये लॉक है, जैसा कि नीचे लिखा हुआ था 5 बजे शायद इस लॉक को यहाँ पे बंद कर दिया जाता है और बाद में खोल देते हैं। चलिए तो अंदर की तरफ चलेंगे अभी। तो ये डोर से आगे बढ़ने वाला रास्ता है, आगे की तरफ यहाँ से बढ़ेंगे और देखते हैं किले में कितनी देर में पहुँचते हैं। तो ये हमारा थोड़ा गलत अनुभव था कि हम किले में पहुँच गए हैं और डोर से एंट्री करते ही ना भाई वापस से किले की तटबंदी दिख रही है, मतलब कि दीवारें दिखने लगी हैं, तो ऐसा कुछ है। तो शायद वो हमारी गलत फहमी नहीं थी, किले तक तो यार शायद आ ही गए हैं। ओके चलिए देखते हैं आगे नज़र क्या आता है। शायद ये किले का दूसरा डोर होगा, फिर पहला डोर वहाँ पे है और वो डोर शायद बाद में बनाया गया है, पुराने टाइम का डोर तो लग नहीं रहा। लेकिन ये वाले जो दीवारें हैं ये तो पुरानी दीवारें ही हैं। तो देखेंगे यहाँ पे कोई डोर है कि नहीं। ओके तो डोर तो नहीं नज़र आ रहा कोई यहाँ। तो भाई सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है जैसा कि आप देख पाएंगे, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। जितना ऊंचाई पे आते हैं नीचे का तो दृश्य अद्भुत ही हो जाता है। और ये आई थिंक एक पॉइंट्स बनाया गया है जहाँ पे हम नज़र डाल के एक बार देखेंगे कैसा लगता है। ओके भाई तो कुछ ऐसे नज़ारे हैं यहाँ से। तो भाई हमें उस वाले पॉइंट पे जाना है, वहाँ पे जहाँ पे एक फ्लैग दिख रहा है रेड कलर का, भगवा झंडा दिख रहा है, वहीं पे हमें जाना है। तो ये देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हमने जो आधा रास्ता है वो यहाँ पे पार कर लिया है, क्योंकि नीचे से काफ़ी देर से मैं आ रहा हूँ और सामने की तरफ मुझे जाना है। जितना वो नज़दीक लग रहा है ना उतना नज़दीक होने वाला नहीं है। तो चलिए देखेंगे और कितना टाइम लगता है। ओके तो यहाँ पे बोर्ड में लिखा गया है चपेटदान मारुति। तो चपेटदान का मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन मारुति का मतलब मुझे पता है। मारुति हनुमान जी का दूसरा नाम है। उसका नाम होने का रीज़न क्या है, जो बजरंगबली हैं वो पवन देवता के पुत्र हैं ऐसा कहा जाता है, और जो पवन मतलब हवा, हवा को मारुत कहा जाता है, और इसी कारण बजरंगबली का नाम मारुति भी है। तो ये कुछ ऐसा रीज़न है। और जो ये चपेटदान वाला है मुझे तो नहीं पता, आपको पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो एक बार फिर से बोलिए जय बजरंगबली और आगे बढ़िए।